खाना वाना यहाँ पे दोपहर का रेडी हो चुका है और ब्लॉग की स्टार्टिंग हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। तो यहाँ पे बनाए मम्मा ने चावल, साथ में कढ़ी, साथ में ये आलू की भुजिया और साथ में ये पकौड़े, ये भी घूम रहा है साथ में, इसको भी खाना खाना है। डर के मारे वो भी भाग रहे हैं, लेकिन ये मारेगा ज़रूर गुच्छी को। गुच्छी का खाना है वैसे तो। तो यहाँ पे डॉक्टर अनाया जा रही हैं, आज चेकअप करने जा रही हैं आप किसी का? यस, मुझे पेशेंट बहुत नीचे। हमारे पेशेंट्स हैं नीचे? हाँ। अच्छा, उनको देखने जा रही हैं। एक पेशेंट तुम्हारा वो भी घूम रहा है सामने। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और हम नीचे जा रहे हैं और यहाँ पर आ गई लिफ्ट। चलो तो अब हम आ गए लिफ्ट के अंदर। बाय बाय बाय। और ये अम्मा मेरे साथ जा रही है नीचे, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। रुको, गाड़ियाँ आ रही होती हैं सारी। इसकी पलटन आई हुई है नीचे ना, सारे फ्रेंड्स आए। बादल देखें कितने खूबसूरत आए हैं, बच्चे देखें कितने। हेलो, कैसी हो? ठीक हो? क्या हुआ? डॉक्टर मनी भी हो? डॉक्टर मनी भी आज नया है। सब लोग आ गए हैं। सब लोग आ गए ना? अब खेलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सब सामान बराबर है, क्या करोगे इसका ऑपरेशन करना है? थर्मामीटर, इंजेक्शन सब पड़ा हुआ है। गुच्ची देखो सब खेलने गए, तुम क्या कर रहे हो बैठकर यहाँ पर? हाँ, सारे बच्चे खेल रहे। तुम जा रहे हो? सुहेब का फोन खराब हो गया है, फोन जा रहा है अपना चेक करवाने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भैया? आगे लाहौर से जी। मजा आया? मैं देखी थी तुम लोगों की पिक्चर्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक? फुटबॉल की ब्लॉगिंग बनाए हमारी। ठीक है, बनाती हूँ मैं। चलो देखो गुचू, आपके फ्रेंड्स आ गए। चलो भाई सारे, हाँ इसके भी दोस्त हैं ना सारे। यहाँ सारे बच्चे आ गए हैं वेकेशन से वापस और अकेले हैं यहाँ पर। क्या हुआ? जोएब जरा नजर रखना है इसके ऊपर। गुचू क्या कर रहा है? गुचू खेलने आया नीचे, इधर आओ। पूछ के आना चाहिए बेटा, हमेशा अपनी मम्मा से पूछ के आना चाहिए। ऑपरेशन मैं करूंगी यार, तो मैं क्या हाथ देखो, मैं ऑपरेशन। ओ यार, ये सारी चीजें घूम जाएगी, इसलिए अंदर रखा था। तो यहाँ हो गई है मगरिब और हम आ गए हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ। पीछे बच्चे खेल रहे हैं और गुची को क्योंकि थोड़ी सी जुगाली करानी होती है ना इस वक्त, तो इसलिए इसको ले आए थे ज़रा बाहर। और आज अनाया ने ना बिल्कुल मुझे एक मिनट भी बैठने का भी टाइम नहीं दिया, इतनी थकान हो गई थी आने के बाद, क्योंकि सुबह से मैं निकली हुई थी और आके फिर लंच वगैरह का किया और उसके बाद बस किचन क्लीनिंग और सारी चीज़ें करने के बाद अभी बस फ्री ही हुई थी कि अनाया ने कहा नीचे चलें, तो मैं नीचे आ गई। चाय भी मैंने नीचे ही पी और अभी भी मैं नीचे ही हूँ, तो बस थोड़ी देर में जाते हैं और ऊपर पर कुछ खाने का करते हैं।
और यहाँ पे जो है ना बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गई है, फुहार शुरू हो गई है, अच्छी सी फुहार पड़ रही है यहाँ पर। और गुच्ची को देखें, क्या हुआ गुच्ची? गुच्ची को क्या हुआ? मेरे बेटे को क्या हुआ? मेरे बेटे को क्या हुआ? मेरे बेटे को क्या हुआ? बेटा खेल ले नीचे। गुच्ची यहाँ आके बैठ गए। गुच्ची में भी बारिश की दो तीन बूंदें पड़ी है ना, गुच्ची यहाँ आके बैठ गए। और ये देखेंगे कौन बैठा है छुप के, कौन बैठा है? गुच्ची, गुच्ची अनाया के पास कामे चेक करे भाई। जैसे अनाया लेटा के गई है वैसे ही लेटा हुआ रामे। रामे सांस भी चल रही है अभी तक, बारिश भी हो रही है। आपको दिखाते हैं व्यू यहां का। हां आराम से, गिरना नहीं, व्यू दिखाते दिखाते। तो यहाँ 8 बज रहे हैं और अभी एक बड़ी जबरदस्त आसमान से आवाज आई है, ऐसे जैसे कोई पत्नी, क्या आवाज थी, बहुत आवाज थी। बच्चे भी सब परेशान थे और बादल भी अजीब से हुए हैं। अगर आई फिर तो मैं सुनाऊंगी। अब हम जा रहे हैं वापस। तो मम्मा यहाँ पे बना रही हैं चपली के कबाब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये चपली के कबाब हमारे हमारे फेवरेट हैं वैसे। हैं मम्मा, है ना मम्मा? शामी कबाब, आप चपली तो, हाँ चपली, मैं चपली बोल रहा हूँ उसको, गलत बोल रहा हूँ। चपली तो उसके होते हैं मटन के ना, और उसके क्या कहते हैं चिकन के, हैं ये शामी कबाब जो के सुबह भी खाते थे हम लोग काफ़ी। रोटी मम्मा ने यहाँ पे तल ली है और बस खाना लगने वाला है थोड़ी देर में। तो खाना हमारा यहाँ पे रात का भी रेडी हो गया। तो यहाँ पे हमारी कड़ी है साथ में आलू की भुजिया और साथ में रोटी। और अनाया ने यहाँ पे दो की दो वो ले लिए शामी कबाब। मैं चपली कबाब बोल रहा हूँ बार बार उसको, शामी कबाब। और हमने अपने अपने अलग शामी कबाब लिए हैं। हाँ तुम क्या कहती? चपली कबाब ने क्या करो? अच्छा सही है, अब नहीं बोलूँगा शामी कबाब है सही। मैं बोल रही थी, पता है मैं बोल रही थी इसको वो नहीं बोलना कभी शामी को। सही है, नहीं बोलूंगा इसको बोलना चपली कबाब। इसको बोलना नहीं आलू कबाब, चपली कबाब नहीं शामी कबाब। मैं भी, मेरा दिमाग आजकल काम नहीं कर रहा है इसलिए है ना ना। तो वेलकम बैक, यहाँ पे कोई रात के 2 बजने वाले हैं और व्लॉग एंड करते करते थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि अनाया जो है आज थोड़ा सा लेट सो रही है, वरना नॉर्मली वो सो जाती है जल्दी, लेकिन आजकल वो ज़रा मस्तियाँ करती है अपने भाइयों के साथ तो थोड़ा सा लेट हो गई थी। और सुबह वो जल्दी उठती है, अराउंड 8 o'clock वो उठ जाती है। तो आज जैन भी बहुत खुश था, अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास आया और उसने एक न्यूज़ सुनाई, कह रहा है पाकिस्तान ने 40 इयर्स के बाद जो है दोबारा से गोल्ड मेडल जीता है माशाल्लाह से ओलंपिक्स के अंदर। और जैवलिन एक गेम होता है जिसके अंदर आपको आप जाके सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं। तो अरशद नदीम जो हैं उन्होंने इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान के पास, 40 साल बाद जो है गोल्ड मेडल आया है ओलंपिक्स में से। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है क्योंकि इस तरह की सक्सेस को जो है वो भी शेयर करना चाहिए हमारे ब्लॉगर्स को। झूठे कंटेंट तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग शेयर करते हैं, आप लोगों को पता ही है कि अपनी कंट्री की तो कोई बात नहीं करता लेकिन दूसरे की कंट्री की मेडिसिन को भी जो है ओब्लाइज करते हैं। तो जिस मुल्क का आप नमक खाते हैं एटलीस्ट उसको अप्रिशिएट करना आपका फ़र्ज बनता है, और जहाँ जो अच्छा काम हो रहा है उसमें एप्रिसिएशन बनती भी है। और पाकिस्तान के अंदर ना यूट्यूब पे 4-5 कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन लोगों की आप समझ लें कि मोनोपोली है, और उनके अलावा लोग किसी को भी देखते नहीं हैं, जबकि सबको पता होता है कि वो लोग झूठ बोलते हैं और झूठे कंटेंट बनाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर ही बात होती है और उनको ही देखा जाता है,
और जितने भी व्लॉगर्स यहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं और उसके बावजूद अच्छे कंटेंट पे वीडियोस भी बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी का काम भी प्रमोट करते हैं, उसके बावजूद भी यूट्यूब ख़ुद भी उनको आगे प्रमोट नहीं करती। यूट्यूब भी उन्हीं चंगड़ों को ज़्यादा प्रमोट करती है जो कि ट्रेंडिंग में है और जिन्हें लोग देखना पसंद करते हैं। तो खैर, आपको पता है पाकिस्तान में क्या ओवरऑल ही लोग झूठ के पीछे जो है पागल हैं, और पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा पागल हैं। तो लोग इम्प्रेस भी उन्हीं लोगों से होते हैं, और मुझे तो समझ में नहीं आता लोग कैसे किसी से इम्प्रेस हो जाते हैं और क्यों इम्प्रेस हो जाते हैं। अगर किसी के पास कुछ है तो वो आपको तो नहीं दे देगा, ऑफ़ कोर्स वो उसकी अपनी ज़ात के लिए है। और मेरे ख्याल में किसी के पास कुछ होने ना होने से किसी दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ना किसी के ताल्लुकात और डीलिंग में फ़र्क पड़ना चाहिए। लेकिन जो हमारे यहाँ पाकिस्तान का जो मुआशरा है, ये कहते हैं ना हैसियत देख के लोगों से मिलते हैं, तो हैसियत तो आजकल जितने भी मैले हैं उनके पास आपको पता है पैसा है, और वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी घूम रहे हैं और बड़े बड़े घरों में भी रह रहे हैं, लेकिन ना उनका कोई ख़ानदान है ना उनकी कोई बिलोंगिंग्स हैं, क्योंकि पैसा आ जाने से जो है ना वो स्टैंडर्ड नहीं आ जाता है और ना ख़ानदान बन जाता है, और ऐसे लोगों से कहते। तो इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में जल्द आपसे मिलेंगे, जब तक अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।